मैं हूं अली, मैं आपको मुजफ्फरबाद से खुश आमदीद कहता हूं। जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ पिछली वीडियो में इन सब को टूल बार के बारे में बता चुका हूं, कमेंट्स वगैरह और इनके एक्सपेंड कोलैप्स और पैरेंट टैग्स के बारे में और लाइन नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं HTML फॉर्मेट सही नहीं हुआ हुआ, देखें यहाँ पे div body और HTML आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी सोर्स फॉर्मेटिंग करनी है। मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके A प्रेस करूँगा या आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, मैं कंट्रोल A सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं पूरी सोर्स कोड की फॉर्मेटिंग चाहता हूँ। मैं इधर क्लिक करता हूँ, अब मैं जो ही इस पर क्लिक करके जाता हूँ अप्लाई सोर्स कोड, अप्लाई सोर्स फॉर्मेटिंग, जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो हमारे पास जो टैग्स थे वो बिल्कुल सही हो गए। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अब मैं देखता हूँ, और वापस मैं कंट्रोल वाई करके देखता हूँ तो अब मैं देखता हूँ फॉर्मेटिंग मेरे पास अब HTML की फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छे तरीके से आ गई है। ये और भी इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है, कोड फॉर्मेट सेटिंग, एडिट टैग लाइब्रेरी, ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और अप्लाई सोर्स फॉर्मेटिंग टू सेक्शन, यानी किसी खास सेक्शन के लिए होता है। सो कीप इन टच, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कोड प्रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एडिट में जाके प्रेफरेंसेस के बारे में, इनकोडिंग के बारे में, हमें आपको सब चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू।